राजधानी रायपुर से है, जहां अबू झमाड़ में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 2 महिला नक्सली सहित कुल 7 नक्सली कैडर के शव बरामद किए गए हैं। बता दें कि मुठभेड़ स्थल पर AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। 29 अप्रैल यानी कि कल रात से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो जाकर आज सुबह 6 बजे जहां पर नारायणपुर और कांकेर का सीमा मिलता है अबूझमाड़ क्षेत्र में, वहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और उसमें 3 महिला और 6 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, किसी को खरोच भी नहीं आई। AK-47 राइफल जब्त हुआ है और बहुत सारे और आयुध जब्त हुए हैं, एमिनेशन बहुत जब्त हुआ है, उनका रसद खाने पीने का काम सामान वह भी जब्त हुआ है, ये सारी चीज़ें जब्त हुई हैं। परंतु अभी 9 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, हमारे कोई जवान उनको खरोच भी नहीं आई है। लगभग 45 किलोमीटर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर जाकर के ये ऑपरेशन किया गया है, ये बहुत बड़ी सफलता है। सफलता के लिए DRG और STF के जवान, जिनकी संयुक्त पार्टी ने ये ऑपरेशन किया था, वो बधाई के पात्र हैं और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः इस समय भी आग्रह करता हूँ नक्सलियों से, उनमें भटक चुके लोगों से, कि विष्णुदेव जी की सरकार बातचीत चर्चा के माध्यम से इस मसले का हल चाहती है। हर हाल में कोई एक नक्सली, कोई 2 नक्सली, कोई छोटा ग्रुप या कोई बड़ा ग्रुप जो भी बात करना चाहे, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहे या किसी मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहे, पुनर्वास की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनसे आग्रह है वो मुख्यधारा में वापस लौटें और समाज के साथ आगे बढ़ें। बस्तर में शांति हो, बस्तर के गाँवों तक विकास पहुँच सके, बस इसी प्रार्थना के साथ।